दिव्य दरबार को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हुए परेशान। आखिर क्या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री क्यों हो रहे हैं परेशान? जो मध्य प्रदेश की दिव्य दरबार है वहाँ की भक्तों को लेकर। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरिराम हम बात करेंगे कि दिव्य दरबार को लेकर परेशान धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम वाले बाबा परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से मंदसौर के दिव्य दरबार में एक बाबा ने अपने दरबार में कह रहा था कि बाबा की परेशानी यानी कि हमारी जो परेशानी है वो कोई नहीं झेल सकता, वो कोई नहीं टाल सकता। इस तरीके से परेशानी है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाबा की जो धाम है, मंदिर है, वहाँ पर भक्तगण की जो संख्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ने के कारण ये है कि भक्तगण जिस तरीके से आ रहे हैं दिव्य दरबार में मध्य प्रदेश के छतरपुर, वहीं पे उनकी रहने की, खाने की, पीने की जगह सब व्यवस्था होनी चाहिए। बाबा का कहना है कि जिस तरीके से दरबार की भक्तगण ज़्यादा और अधिक मात्रा में वहाँ पहुँचते हैं, रोज़ दरबार देखने के लिए वहाँ भक्तगण पूजने के लिए, दर्शन करने के लिए, जिसमें वहाँ की जगह छोटी हो रही है, वहाँ की गांव वाले हैं वो बागेश्वर धाम उर्फ पीठाधिध्यन के शास्त्री का ये कहना है कि वहाँ के गांव वाले जो है वो कुछ पहले से होटल खाने पीने की व्यवस्था को लेकर वहाँ पर पहले से अपनी दुकान खोल रखा है। बाकी उनके विरोधी जो है वो भी जमीन वहाँ की खरीद कर जो है बागेश्वर धाम के धर्मों को, हिंदू राष्ट्र की जो है एकदम बिगाड़ने और अपमान करने की तादाद में है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि जो भी मंदिर वाली जगह है उसके आसपास में जमीन है वहाँ के कुछ उनके विरोधी खरीद लिए पैसे देकर, और उस ज़मीन को लेकर जिस तरीके से वहाँ पर होटल है, दुकानदार है जो चला रहे हैं होटल, उनमें से कोई विरोधी है जो गलत उपयोग कर रहे हैं दुकान खोलकर और अपनी होटल खोलकर। जिस तरीके से वहाँ के हिंदू धर्म और सनातन धर्म को लेकर धीरेन्द्र के शास्त्री चर्चों में रहते हैं, भक्तों की एकदम बढ़ती हुई संख्या को लेकर बाबा ने अपने दिव्य दरबार के, मंदसौर के दिव्य दरबार में बताया। बाबा की मुश्किल दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, परेशानी बढ़ती जा रही है कि भक्तगण जिस तरीके से ज़्यादा संख्या में बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, वहाँ खाने पीने का व्यवस्था भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, जगह भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। इस तरीके से बागेश्वर धाम उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये बात अपने दिव्य दरबार में बताया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।